ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वंती सेशंस। प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पीवाईक्यूज करने वाले हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स के, राइट? 2023 के, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो भाई कल आप लोगों का टेस्ट भी है, तो मेक श्योर कि सब लोग टेस्ट जरूर देना विदाउट एनी डिले। कल वर्ल्ड कप भी है, तो वर्ल्ड कप का भी एक्साइटमेंट होगा। इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट करा है कि हमारा साथ वर्ल्ड कप मोदी जी के साथ देखने आओ। अच्छा, फाइनल कौन कौन सी टीम का वर्ल्ड कप है? इंडिया के साथ किसका है? ऑस्ट्रेलिया का मैम, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का है, तो ऑस्ट्रेलिया का ही पीएम आ रहा है, तो बड़ी सारी एक्साइटमेंट है। इंडिया वर्ल्ड कप लेके आएगा या नहीं, है ना? यस तो मैम। ठीक है, नो मैम, नई एक्साइटमेंट। वैसे मुझे भी कोई हम फर्क, कैसे हो मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ बच्चे। तो मैम? ये जानते हो क्या, मैम, मैं आपके परफेक्ट। तो भाई आज हमारा आज का एजेंडा यही है। हमारे मोटे मोटे से चार क्वेश्चन, चार छह, चार 10 और 16 17 क्वेश्चंस की बात है। अगर किसी ने सॉल्व कर लिया, दैट्स प्रेटी गुड। अगर किसी ने नहीं किया है, तो अभी टाइम दे रही हूँ। हम पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स के पीवाईक्यूज 2023 वाले करने वाले हैं। रेडी एवरीवन? पहला क्वेश्चन सबको विजिबल है? ठीक यस मैम। है, तो भाई पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि लेट आर बी द फोकस ऑफ द पैराबोला। मतलब मान लो कि किसी ने कर लिए, के लिए, तो ये तो पता चल जाएगा ना कि भाई अब किसकी स्पीड किसको याद है, कि कैसे कैसे निकालना था। क्यों कृष्णा, सही बात बोली? तो लेट आर बी द फोकस ऑफ द पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20x एंड द लाइन इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इंटरसेक्ट द पैराबोला एट टू पॉइंट्स p एंड q। लेट द पॉइंट्स g10, 10 बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इफ सी माइनस एम इज 6, देन पी क्यू स्क्वायर इज। रेडी? अब कोई 325 करके ऑप्शन है। तीन सौ 25 ऑप्शन है आपको सबसे बेहतर। ये क्या रोनी मैम, मेरी स्क्रीन काली है, मैंने इंटरनेट मार रखा है। किसी को भी नहीं दिख रहा? नहीं, वो मेरा बना होगा, मेरा नेट खत्म हो गया, 2 GB का था, कोटा ओके ओके, है मैम। मैम हाँ है, मेरा आंसर आ गया मैम। ओके। भाई सब लोग देख लीजिए, बाकी भी सब लोग, आप लोगों को टाइम देने वाली हूँ भाई, मुझे कोई जल्दी नहीं है, सही में बता रही हूँ।
हाँ जी, सबका आ गया। अच्छा जी, फिर से बताइए। ओके, तो मेरे को किसी से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया अभी तक। समीक्षा डन, सिल्की डन, कृष्णा, यश, मयंक, ओम, हिमरन, सिमरन, हर्षुल, नहीं हुआ। तो अभिजय, क्या आप बताएंगे कैसे करा था आपने? मैम ऑफ कोर्स मैम, पहले तो हमने मैंने क्या किया, मतलब जो इक्वेशन दे रखी थी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मैं 20x था, तो फिर मैंने लिख लिया कि मान, और हमें दे रखा था कि वाई की वैल्यू एम एक्स प्लस सी है, तो हम एक्स को लिख सकते हैं वाई माइनस सी बाय एम लिख सकते हैं ना ओके, मैम। उसके बाद हम मैंने मतलब क्या किया, जो लिख इक्वल लिया टू वाई, वाई माइनस सी बाय एम। एक्स की वैल्यू हम लिखी और फिर एक्स की वैल्यू को ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x में पुट किया। ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 × y माइनस सी बाय एम, यही बात कर रहे हो? मैम हाँ मैम, फिर 20 को मल्टीप्लाई करके ना उसको ट्रांसपोज कर दिया, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई माइनस सी बाय एम कर दिया। ओके, इसको आपने लिख दिया 20y/m माइनस सी बाय एम। मैम अब ना हमें गिवन था कि जो हमारा सेंट्रॉइड है वो, मतलब जो हमारा वो है वो जी, वो 10,10 है, तो मैम सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है यानी कि 3 y कोऑर्डिनेट्स यानी y1 y2 और y3 अपॉन 3 कर दें इज इक्वल टू 10 था, तो मैम उससे मैंने क्या कर दिया, उससे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैम y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू निकाल दी और फिर उसको 20 अपॉन m के इक्वेट कर दिया, जिससे m की वैल्यू आ गई। ओके, चलिए बच्चों, देखिए, समझ गई मैं आपकी बात। बच्चे, एक पैराबोला था, क्या सबने पैराबोला ड्रॉ करा? यस मैम, इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, कोई लाइन थी जो आपके पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पी और क्यू पे, ठीक है जी? तो आप लोगों को याद है हमने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, क्योंकि यहां से मुझे ए पता चल गया 5 है, तो मुझे पता था कि ए टी स्क्वायर कॉमा 2 ए टी के बराबर होता है। यस मैम, तो आपके पास पी और क्यू के, ये क्यू वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, राइट? अब दे सेड कि एंड द पॉइंट जी, जी 10,10 बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट? पी क्यू आर ना द फोकस। अब आपको फोकस 5,0 दिख रहा है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिया। अब आपको सेंट्रोइड, जो इन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला, कि आपको जब फोकस पता चल गया कि आर है, तो ये आपकी ट्राइंगल बन रही है बच्चों। तो यस मैम, जब आपने ट्राइंगल बनाई, तो इसके सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा के T1² + T2² निकलिया, T1 T2 भी निकल गया। इन दोनों को T1 + T2² जो है वो 5 किसके बराबर होगा, T1² + T2² प्लस 2A T1 2A 2 T1 T2 के बराबर होगा। इसकी वैल्यू 9 आ गई, इसकी वैल्यू 5 है, प्लस 2T1 T2 निकालेंगे तो T1 T2 की वैल्यू बच्चे 2 के बराबर आ गई। और इन दोनों को यूज करके आपने यहाँ से T1 और T2 की वैल्यू निकाल ली बच्चा पार्टी। और दिख भी रहा है, 2 का सम 3 है, 2 की प्रोडक्ट 2 है, तो जाने की एक 2 होगा और एक 3 हो, 1 होगा। तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए।
अगर दो पॉइंट्स पता चल गए तो इससे इक्वेशन ऑफ कोड भी आ गई, राइट समीक्षा सिल्की? यहां से जो आपकी इक्वेशन बनी उसको आपने क्या कर दिया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स सी से कंपेयर कर दिया, और यहाँ से आपको m पता चला, c पता चला, और c माइनस m उन्होंने आपको यही तो बोला था कि इफ c माइनस m 6 के बराबर है तो पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा। क्या सबको बात क्लियर है? हाँ जी बच्चों बोलिए। यस मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? यस मैम। क्लियर एवरीवन? मैम यस। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं ऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू ऑन द पैराबोला विद फोकस 3,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू -3 आर इन द रेशियो 3,1। ठीक है जी, ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू ऑन द पैराबोला, क्लियर? इफ आर जो है अल्फा कॉमा बीटा है इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ, वैसे टेंजेंट का क्वेश्चन अभी सिलेबस में नहीं रहा, राइट? बच्चे एक पी और क्यू को कोई लाइन कट करके जा रही है जिसके आपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, ये फटाफट से लिख लेते हैं। और यहां से कोई टेंजेंट जो जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा आर अल्फा कॉमा बीटा दे रखा, क्या कहते हो, सही है? यस मैम। यस मैम। तो अगली बात उन्होंने क्या बोलिया कि भाई आर जो है अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सबसिस्टम। जो आर है ये हमने पढ़ा भी था कि इसके ऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन होगा और अपसिसा का ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो जब अल्फा बीटा आ जाएगा उसको सॉल्व सुल करके स्केयरिंग बाय जो भी वैल्यू जो निकालनी थी बीटा स्केयर बाय अल्फा, ये निकालनी थी बीटा स्केयर बाय अल्फा, इसकी वैल्यू पुट कर दो। क्लियर है? No, बोलिए किसी को भी डाउट है इस चीज में? ओके। अब सर्कल और पैराबोला की कोई कॉमन टेंजेंट है, टच द कर्व्स एट द पॉइंट पी एंड क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर निकाल लें। तो ये भी टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। यस मैम। नहीं देखो बच्चे, एज पर द न्यू सिलेबस टेंजेंट सिलेबस से हट गया है, तो फिर हम लोग भी उस चीज पे अभी एफर्ट नहीं डालते, क्या कहते हो? मैम देखिए मैम, क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर मान लेते हैं हम नहीं अभी करते और एडवांस के सिलेबस में वहां जाता है, तो फॉर दैट मैम 12th का भी हमें ही सिलेबस करना होगा। तो अभिषेक, क्या आपने कभी ये देखा है भी जेई मेंस और एडवांस का सिलेबस सेम होता है या अलग होता है? हम कभी मेरे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट सिलेबस ही नहीं देखा, जो किताब में होता है मैं तो वही करता हूँ। नहीं मतलब इस चीज पे क्या किसी ने कृष्णा सर्च करा है? नहीं मैम, मैं टू बी ऑनेस्ट जिनसे भी मैंने पूछा ना, मतलब अवंती में भी मध्य सर से इन सबसे, तो मतलब सर लोग बता रहे थे कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो मेन से कोई चीज कट गई है, तो एडवांस में आ नहीं सकता, आ सकता है तो पढ़ो सब कुछ, इसी वजह से सब पढ़ रहा था। ओके बट क्योंकि जहां से मेंस का पेपर सेट होता है ना वहीं से एडवांस का पेपर सेट होता है डियर। एनटीए? हाँ मैम, फर्स्ट एग्जाम में पुरानी सिलेबस तो नहीं देखे, बट जो टीचर लोग मुझको बता रहे थे, मतलब ज्यादातर उन्होंने ही बोला सब पढ़ लो कुछ जाएगा भी नहीं, तो मैंने कहा ओके। नहीं ऐसे पता क्या है, मैं आपको सही में बताऊ ना, तो मेरा मेंस एडवांस से पहले मेरा पहले फोकस किस पे होगा बताओ? सर मेन मैम मेंस पे, तो मैं एडवांस पे तो तभी जाऊंगी जब मैं मेंस करूंगी, और अगर मैं एडवांस के चक्कर में मेंस को ही लैक कर दूंगी तो मेरा मेंस ही नहीं क्लियर होगा। यस मैम। है ना, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग या किसी भी टीचर
फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बेसिस होता है। एडवांस के लिए जब आपका जेई जनवरी वाली शिफ्ट में एडवांस क्लियर मेंस क्लियर हो जाता है ना, आपके पास 4 महीने बचते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने तो पूरा सिलेबस अभी तक करवा ही दिया आप लोगों ने, तो प्लस वन कलमो सारा ही कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा। अपन इसको देख लेते हैं कि भाई एक पैराबोला है और एक सर्कल है, दोनों की कॉमन टेंजेंट है, और टच द कर्व एट द पॉइंट पी एंड क्यू, लेट द इक्वेशन बी द टेंजेंट। तो आपके पास वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम है, तो भाई कैसे फोकस करने वाले हो? ए की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ से, 1 है। बताइए। Yes, क्योंकि देखिए आपने लिखा कि y is equals to mx plus c होता है, लेकिन अगर tangent की बात होता है तो c is equals to a upon m के बराबर होती है, tangent से की condition पड़ी थी। तो a की value आपने लिख लिया कि mx plus a by m हो गया, a की value 1 है, तो ये मेरे पास tangent की equation बन गई parabola। अब यही लाइन जो है वो टेंजेंट टू सर्कल है। अगर सर्कल पे टेंजेंट है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि उसका रेडियस 4 है। एग्री? बोली तो क्या यहां से बच्चा बाटी एम की वैल्यूज निकल आएंगी? बोलो बोलो। यस मैम। एम से कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, अगर कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे मेरे को फुटो परपेंडिकुलर पता चल गया, तो मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। वहां से मैं फुटो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दूंगी और डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हो, ऐसा ही होगा या नहीं? लग हुआ क्लियर? यस यस मैम। ठीक है, तो बड़े आगे नेक्स्ट देखिए, ले लीजिए 2 मिनट। क्या ये टेंजेंट का क्वेश्चन है? हाँ जी बताइए। नॉन टेंजेंट का नहीं है ये। ओके तो कर रहे हैं ट्राई। Yes, कहते PQ be a focal chord of the parabola of length 100 making an acute angle with the positive x-axis, let the ordinate of P be positive and M be the point on the line segment PQ such that PM ratio MQ is 3:1. Then which of the following points does not lie on the line passing through M and perpendicular to line PQ? कितने लोग try कर रहे बच्चे, जरा hand raise करके बताना। Okay, क्योंकि कर रही है यश, कर रहा है शिखा, कर रही है माधव, कर रहा है समीक्षा, कर रही है। ओके ओके सुजीता भी कर रही है। ग्रेट बच्चा, टेक योर टाइम, क्योंकि ये सब चीजें क्योंकि अपन कर चुके हैं, अब मंडे से हम लोग स्टैटिस्टिक शुरू करने वाले हैं। क्या कहते हो?
हाँ जी बच्चे बताइए। पना जी देख लीजिए फिर, कहते फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो 100 है, एग्री मानते हो? यस मैम। तो आपने पढ़ा था कि फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो ए इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर होती है, जो कि आपको 100 दे रखी है, और एज पर द क्वेश्चन आपको ए पता है 9 के बराबर है। तो बच्चे t + 1 t + 1/t की जो वैल्यू है वो +-10/3 आ गई आपके पास। इसको जब रखोगे क्वाड्रेटिक बना के t की वैल्यू निकाल लोगे। अब मुझे यहां से पता चल रहा है कि भाई जो मेरा ऑर्डिनेट है p, जो p है वो पॉजिटिव होगा, तो p का ऑर्डिनेट पॉजिटिव ले लिया, यानी कि 3 और 1/3। अगर t 3 है तो पी क्यू की स्लोप पॉजिटिव होगी, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्या आप लोग एम निकाल लोगे, राइट और नॉट? यस यस मैम। तो आपके इस इक्वेशन, तो आपके पास जो अगला पॉइंट है, जब -3 वाला आप बोल रहे हो, जब उसको चेक करोगे क्या वो लाइक कर रहा है या नहीं, वो चेक कर लोगे। बताइए किसी ने हैंड रेस करा है? ठीक है जी, क्लियर है? यस मैम। ये क्वेश्चन हमने करा था, कितनों को याद है? ओके किस किस को याद है भाई ये क्वेश्चन हमने करा था? शिखा को याद है, समीक्षा को याद है, और किसको याद है? ओके ग्रेट, तो हिमरन सिमरन को भी याद है। टाइमर सेट कर दो या नहीं? मैम मतलब कि मैं टाइम सेट कर देती हूँ, 2 मिनट में कितने लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को? चैलेंज एक्सेप्टेड मैम, करो। ओके डन भाई, मेरे पास 32 है अभी, 34 तक, इट्स टिल 34, 2 मिनट्स आर देयर, लेट मी चेक। पीछे से कोई आंसर अपनी नोटबुक को घुमा के नहीं देगा अभी कितना आंसर आया, फटाफट सॉल्व करेंगे।
1 मिनट बच्चों डन। अरे वाह, समीक्षा जी ने आंसर किया, ग्रेट समीक्षा। तीन सौ छह तो सही आंसर है। हमारी हमारे शरीर में भी 306 हड्डियां होती हैं। नहीं मैम, दो घटा दो, 206 होती है। ठीक है भाई, 306 आंसर आ गया सबका, आ गया। एक मिनट, गलती कर दी, आंसर गलत, 306 नहीं है, पीछे आंसर दिखाना, मैं एक बार गलती क्या की है देखना था। ये तो सही है, ये भी सही है, गलती क्या हुई है, बहुत बुरा लगता है, कैलकुलेशन गलती होती है, वो उन चीजों पे तो फोकस करना। कहते हैं टेंजेंट है पैराबोला पे एट द पॉइंट 3, अल्फा पे परपेंडिकुलर इस लाइन पे, तो फिर से वही ये टेंजेंट का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। टेंजेंट है इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर इस लाइन पे, तो अपन लोगों ने ये क्वेश्चन करा था, याद होगा सबके, याद आया यश? यस मैम याद आया। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया था 2y इज इक्वल टू 12, तो साथ में y डैश, तो dy अपॉन dx जो है वो 6 बाई वाई आ गया, पॉइंट पुट करा तो 6 बाई अल्फा, और यहाँ से निकाला तो भाई 1 आ गया, तो 1 के बराबर, तो अल्फा जो है वो मेरे पास आ गया 6। कुछ ऐसा ही करा था, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा मुझे, ऐसे लग रहा है यार कहां से पी वाई क्यूज करने लगे, क्या जरूरत थी करने की। देखिए ये भी टेंजेंट्स पे है, और ये क्वेश्चन भी हमने करा था, और फोकाय वाला भी क्वेश्चन करा था, क्या कहते हो? कौन सा वाला क्वेश्चन? ये वाला फोकाय ऑफ हाइपरबोला इज प्लस माइनस 2,0, इसेंट्रिसिटी दे रखी है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द हाइपरबोला, इफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द एक्स एंड द वाई एक्सिस ए एंड बी, तो 6a और 5b का मैग्नीट्यूड पूछा था, याद आया होगा? यस मैम। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया, टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर, तो स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल कर ली, टेंजेंट की इक्वेशन बना दी, और फिर ये सब बना के इंटरसेप्ट बना दिए, क्या कहते हो? तो ये क्वेश्चन हमने देख लिए थे भाई, एलिप्स के नहीं देखे थे उस दिन, याद है? कुछ याद है? यस मैम। ठीक है,
तो फिर एलिप्स पे वर्कआउट कर ले। और आप लोगों ने भी नहीं देखे होंगे एलिप्स के क्वेश्चन जहां तक मुझे लगा। तो बच्चों देखिए, मुझे दे रखा है क्वेश्चन, लेट द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्सिस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज वन, इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट टू हाइपरबोला, हाइपरबोला की रेसिप्रोकल है। ठीक है जी, इफ द एलिप्स इंटरसेक्ट द हाइपरबोला, एलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? क्या सबसे पहले आप लोग अपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो आपको दे रखा है उसकी इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो? हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर भी 1/2 है और बी स्क्वायर भी 1/2 है, तो आपके पास e जो है वो रूट टू बन रही होगी। तो इसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी सेंट्रिसिटी 1/√2 बन रही होगी बच्चों। यस मैम। और जो फोकाई है उसके जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई a इसका 1/√2 है, तो आपका जो फोकाई है, फोकाई होता है मेरे पास प्लस माइनस ए ई, तो मेरे पास प्लस माइनस 1,0 बन गया फोकाई। राइट, हाँ क्या ना? अगर अगर एलिप्स, ध्यान से देखिए, और हाइपरबोला आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दोनों के दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के फोकाई सेम होंगे, को फोकल होंगे। तो भाई एलिप्स के भी जो फोकस है AE जो है वो 1 के बराबर होगा। E आपके पास कितना आया था? 1/√2, तो A की वैल्यू √2 आ गई बच्चों। बताइए कैसे आया? फोकाई वन। देखो मैंने बताया ना, एलिप्स और हाइपरबोला दो कर्व जो है वो 90 डिग्री पे कट कर रही है, यानी कि जो भी एलिप्स है और हाइपरबोला अगर वो 90 पे कट कर रहे हैं तो उनके जो फोकाई होंगे ना वो सेम होंगे। यस मैम। तो आपने बोला कि भाई इसका भी 1 होगा, तो ए ही होता है, ए 1 है, ई की वैल्यू निकाल रखे, तो ए √2 होगा। अगर मेरे को इतनी चीजें पता चल गई, ई पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है? ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - b² / a², तो 1 - b² / √2 का स्क्वायर जाने की 2, तो भाई 2e² इज इक्वल्स टू 2 - b², ई की वैल्यू भी 2 है, तो 4 इज इक्वल्स टू 2 - b², तो बी स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? कुछ गलत हो गया, कितना आएगा बी स्क्वायर? हाँ जी, कितना आएगा? फॉर्मूला सही लगाया मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 - b² सही लगाया ना, 2 / a². यस मैम। तो ए की वैल्यू जो है मेरे पास √2 है, तो 2 आएगी। ई की वैल्यू शायद मैंने गलत पुट करी है, ई की वैल्यू मेरे पास 1/√2 है, यही गड़बड़ हो गई। तो ये 1/2 थी, तो ये 1 आ जाता, तो बी स्क्वायर 1 के बराबर आ रहा है, राइट? तो 2b² / a करना था, तो 2/√2 सिर्फ √2 आंसर आएगा। क्या कहते हो, सही है? यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम।
फिर एक एलिप्स है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहे हैं. लेट मेजर एक्सिस ऑफ ई एलिप्स का बी अ डायमीटर ऑफ सर्कल सी. क्लियर है. लेट द लाइन पासिंग थ्रू, जो लाइन है वो ए और बी को पास कर रही है, मीट द सर्कल सी एट द पॉइंट पी. If the area of triangle AP and the origin O is M by N, where M and M are the coprime, तो M minus N किसके बराबर होगा? Try करना है किसी को? या मैं solve कर दूँ? मैम मैं try करूँगा, मैम रुक जाओ. Okay, रुके हुई हूँ बेटा, एक ही जगह बैठी हूँ. So sweet of you, मैम. मैम जोक्स अपार्ट, आपकी राइटिंग इतनी सुंदर कैसे है? प्रैक्टिस हो जाती है, सारा दिन लिखना ही है ना. मैं भी जो सारा दिन लिखता रहता हूँ, मेरी राइटिंग तो ऊपर जैसी है. पेन से मेरी भी नहीं आजकल अच्छी होती. हो सकता है छोटा क्वेश्चन है पर आंसर गलत लग रहा है. मैम 17 है आंसर. हाँ आंसर तो 17 है, बिना सॉल्व करे आंसर कैसे आ गया? तुक्का. अरे नहीं आंसर याद होगा तेको, सॉल्व कर अच्छे से. मेरे को सबसे आंसर चाहिए. समीक्षा, सिल्की, शिखा, नैंसी, हर्षुल, सिमरन, सिमरन. एलिप्स है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव वाले को जहां पे कट कर रहे हैं उनको पॉइंट ए और बी ले ली. एलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके नया सर्कल ड्रॉ कर दो. हाँ जी बच्चों कैसे हो गया बताइए, बना या नहीं? मैम ये मैंने ना थोड़ा सॉल्व कर लिया. मैम देखो ऐसे किया मैंने, ले लीजिए 2 मिनट फिर अपन बात करेंगे सब लोग. मैम नहीं मैम मेरा सॉल्व कर लिया मैंने. तो बताइए अभी जे. मैम जैसे हम हमें जो इलिप्स की इक्वेशन दे रखी थी मैम, अगर हम उसके रिस्पेक्ट में देखें तो हम मान लेते हैं कि कोई लाइन है ए बी, तो उसकी इक्वेशन मैम बन जाएगी x प्लस 3y इक्वल टू 3, और मैम उसी हिसाब से सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9. अब मैम हम क्या करेंगे लाइन की इक्वेशन मैम गलत किया क्या कुछ? नहीं ये तो सही करा आपने. हाँ मैम सुन के अच्छा लगा. और मैम हम x की वैल्यू को क्या करेंगे, जो लाइन की इक्वेशन थी x प्लस 3y इक्वल टू 3 उससे निकालेंगे तो x आ जाएगा 3 माइनस 3y, और फिर उसको स्क्वायर उसमें सर्कल में पुट कर देंगे तो हमें y की कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 0 और 9/5. और फिर मैम हम क्या कर देंगे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे और जाएगा 27/10. और मैम हमें m माइनस n मतलब m हमारा 27 आ गया, n हमारा 10 आ गया, हम घटा देंगे और 17 आंसर आएगा. बच्चे बताइए किसी को डाउट है? मैम सही है मेरा आंसर. हाँ सही तो है. बच्चे बताइए क्या डायग्राम बनाई सबने? यस मैम. एक एलिप्स है ना, कुछ ऐसा दिखने वाला एलिप्स है, तो इसके जो एक्स एक्सिस पे ये 0.3, 0 होगा और बच्चे ये 0.1, 0 होगा.
अगर ये पॉइंट आपको दे रखा है ए है और ये पॉइंट बी है, इससे मिलने वाली कोई लाइन है राइट? लेट द मेजर एक्सिस ऑफ ई बी द डायमीटर. अब नया सर्कल ड्रॉ करा इस मेजर एक्सिस को लेके, तो वो कुछ ऐसा सर्कल ड्रॉ करेगा. यस मैम. लेट द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, ए और बी से कोई लाइन पास हो रही है जो सर्कल को मीट कर रही है एट द पॉइंट पी. ए और बी से कोई लाइन पास हुई और वो सर्कल को मीट करी किसी भी पॉइंट पे, लेट द पॉइंट बी पी. ऐसा ही कुछ होगा. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी ओ, ए पी ओ यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया आपको बनाना है. हाँ जी, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? मैम ये पॉइंट बी 0.1 होना चाहिए. हाँ वो तो 0.1 ही है. ठीक है जी. तो बच्चे अगर आपको एक हाइपरबोला दे रखा है, वो आपके पास है कि भी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के बराबर है, तो अगर आपने ये दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन, तो आपके पास x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर आएगी. अगर इसके ये पॉइंट है -3.0, तो डायमेट्रिक फॉर्म लगा के सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के बराबर आ जाएगी. बच्चों क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो भाई x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 - 3y आ गई, इसमें पुट कर दीजिए. तो बच्चे 3 - 3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9. क्या यहाँ से y सॉल्व कर लेंगे? मैम पीके कोऑर्डिनेट 3.3 आएंगे क्या? पीके कोऑर्डिनेट्स नहीं, पीके कोऑर्डिनेट्स एक 0 आएगा और एक 9/5 आएगा. पीके, अच्छा सॉरी पीके नहीं, मैंने देखे पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत ही क्या थी भाई, 0 और 9/5 आ गया. पी अगर मुझे इसका वाई कोऑर्डिनेट, 0 तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अगर ये वाई कोऑर्डिनेट 9/5 पता चल जाएगा, ओए मुझे पता है 3 है, तो 1/2 3 × 9/5 कर दूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं बन जाएगा जो चाहिए था. क्या सही बोला? तो 27/10 आया. ये m है, ये n है, 17 आंसर आएगा. बच्चों किसी को भी डाउट है? हाँ जी बता दीजिए. क्या सबको बात क्लियर है? जतिन, शिखा, एन, कृष्णा, हर्ष, ठीक है जी. क्वेश्चन तो सिंपल ही है. कॉमन टेंजेंट आर इंक्लाइन टू द माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स एट एन एंगल. तो आपको बताना है कॉमन टेंजेंट किस एंगल पे इंक्लाइंड है. तो टेंजेंट का क्वेश्चन एक बार देख लो भाई क्या करना है. पहले तो एलिप्स को सही से बना लो, एलिप्स से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लो, सर्कल की इक्वेशन बना लो. अगर स्लोप, अगर आप लोग m निकाल पाओगे तो क्या m आपको बता देगी भी मेरा x एक्सिस का कितना एंगल बन रहा है और y एक्सिस का कितना एंगल बन रहा है? बताइए बच्चों. देखिए ये आपके पास एलिप्स दे रखा है और आपको एलिप्स से पता चल गया कि इसका सेंटर 0.0 है, तो उससे आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बना ली कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के बराबर होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल. टेंजेंट के एलिप्स हमने पढ़ी थी किसके बराबर होती है, एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में किसके बराबर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर थी. यस मैम. तो इन द सेम वे टेंजेंट अगर क्वाड्रेटिक में देखते हो तो भाई बाय यूजिंग द फॉर्मूला आप सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे.
और यहाँ पे पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, एम की वैल्यू आ गई। अगर 30 डिग्री है तो एक्स एक्सिस के बना रही है, और माइनर एक्सिस के बाद जाने की वाई एक्सिस के बात करें तो वो भी 30 बना रहा है। क्लियर है? सिक्सटी बनाएगा, सॉरी वाई एक्स से 60 बना लेगा। यही बात करोगे? बोलिए मैम। यस मैम। मैम इन लोगों ने पहले एक सर्कल बनाया था, फिर एलिप्स बनाया था इस क्वेश्चन को करने के लिए। दोनों चीजें दे रखी थी कि एक एलिप्स सर्कल जो है वो एलिप्स के साथ कंसेंट्रिक है जिसका रेडियस 4 है। ठीक, सर्कल का रेडियस 4 था ना? हाँ जी हाँ, सर्कल का ही लिया हमने भी। नेक्स्ट देखिए कि ये कोई एलिप्स है, कुछ ऐसा दिख रहा है। kx square ky square is equals to 1, k जो है 1 से 20 तक है। c के भी द सर्कल विच टचेस 4 पॉइंट जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स, वन ऑन द माइनर एक्सिस अनदर ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स ek। r के इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ck। तो भाई आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन परेशान करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सही से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। ले गए? अगर कोई कोड बनानी है जो इस एलिप्स को कट कर रही है, तो आपने देख लिया कि भाई एक एक्स एक्सिस पे होगा, एक वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा, क्या वहां से इक्वेशन बन जाएगी? फिर इस कोड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकल जाएगा। बोलो बोलो, इन्होंने आर की जो पूछा है उसमें जो पुट करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो सिंपल हो जाएगा k प्लस k का स्केयर। k का स्केयर आपको वो n सीरीज वाला सम लगाना है, 20 इंटू 21 बाय 2 प्लस 20 इंटू 21 इंटू 41 बाय 6। क्या कहते हैं, सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल है। एक तो आसान रहे। पी क्यू आर एस चार पॉइंट है लिप्स पे। पी क्यू और आर एस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो ना इसमें कोई टेंजेंट है ना इसमें कोई कोण है, तो लिप्स में क्वेश्चन बन रहे हैं ना बिना टेंजेंट के भी। यस मैम। देख लेते हैं मोटा मोटा सा, आप लोगों ने डेफिनेटली नहीं देखे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। भाई पी पॉइंट दे रखा था, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला तो ओपी डिस्टेंस आ गया। अगर P को आपने R1 cos theta, R1 sin theta ले लिए, तो उसको पुट कर दिया cos theta, R theta, ऐसे ही R के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करा, तो क्या PQ और RS की वैल्यू निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ OP एंड OR? क्या कहते हो? पता है क्या करते हो आप लोग ना अपने एंड पे सॉल्विंग कम करते हो, पता नहीं आप लोगों को टाइम कम मिलता है या जो भी चीजें है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है एलिप्स का। इसमें अब पूरे के पूरे एलिप्स में हमने देखा कि वेरी रेयर था कहीं पे टेंजेंट का क्वेश्चन आया हो। कोई एलिप्स है जिसका सेंटर 1,0 है, लेटेस्ट वेक्टर 1/2 है, लेकिन उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लोंगे। ये बात क्लियर है? और उसका जो माइनर एक्सिस है वो 60 डिग्री का एंगल फोकाई के साथ बना रहा है, तो आपको बताना है कि लेंथ का सम किसके बराबर होगा। ये कुछ ऐसा दिख रहा है डायग्रामेटिकली, क्या आपको दिखा? यस मैम। इसका फोकस वन एलिप्स का सेंटर 1,0 पे है, लेटेस्ट रेक्टम 1/2 दे रखा है, मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और इसका जो माइनर एक्सिस है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री विद द फोकाई। क्लियर? तो 2b/a जो है 1/2 है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू a/4 दिखी। राइट टू नोट, अगर ये पॉइंट इन्होंने कहा कि इसका जो सेंटर है वो 1,0 पे, तो क्या फोकाई बना सकते हो कहाँ पे होगा, या कहीं ना कहीं ओरिजिन तो डेफिनेटली लोकेट हो ही रहा होगा उस लाइन पे, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं।
तो अपन ने टेन थर्टी की वैल्यू निकाल ली बी अपॉन ए ई करके, तो दिख ही रहा है ना कि भाई इसका फोकस होगा ए ई और इसका ये डिस्टेंस बी होगा, राइट। फिर ए ई की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है। क्वेश्चन ने पूछा भी ज्यादा कुछ नहीं, उसने पूछा है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एंड द मेजर एक्स, यानी कि 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर पूछा है। बोलो क्या क्लियर है बात जी, किसी को भी डाउट है यहाँ तक तो बता दीजिए। मैम नहीं है, नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके PYQs से 2023 के, जो कि पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स के बेस थे। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन जो टेंजेंट नॉर्मल है हमने कर लिए, बट हालांकि आई थिंक एज पर द सिनेरियो अगर हम प्लस वन में, तो हम उनको अभी के लिए स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेंस का सिलेबस तो इट्स अ परमानेंट सिलेबस, ये चेंज नहीं होगा। क्योंकि सोच के देखो ना, अगर अभी चेंज हो जाता है, मान लो अगले साल चेंज हो जाता है, तो आप लोग तो प्लस वन में, आपने तो वो टॉपिक्स नहीं करे, तो आप लोग कैसे कॉप अप करोगे, ठीक है। और अभी जो चीज मेंस के सिलेबस में नहीं है, इससे पहले जो एडवांस का बात कर रहे हो ना, कुछ टॉपिक्स होते थे वो होते थे कि भाई मेंस में नहीं, मेंस में उनका हायर वर्जन नहीं था, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक ना जिसका मेंस में बेसिक नहीं है लेकिन एडवांस में वो कराया जाता, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो अभी जो आप लोगों को कंटेंट पूरा वो वही कराया जाता है जो मेंस और एडवांस का सिलेबस होता है, बस एडवांस के जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है ना वो एक साइड अप हो जाता है, क्योंकि आप भी एक चीज सोच के देखो कि भाई जो बच्चे मेंस पेपर दे रहे हैं वो चार एक, अगर उसका किसी का अप्रैल वाली शिफ्ट में पेपर क्लियर हुआ, वो एक महीने में नए टॉपिक तो नहीं पढ़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, सही बात है। तो उसके तो पेपर भी चल रहे थे, वो कैसे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो आप वो एक क्योस सा मचा भी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, जो मेंस का सिलेबस होता है वही होता है, उसका एक लेवल अप कर देते हैं, ठीक है। मैम आपकी बात सही है, मतलब ठीक है, ठीक है ना। तो बच्चों अब यहाँ तक करके आना, सब अच्छे से पेपर देना, कोशिश करना कि जितने अटेम्प्ट करने उतनी अटेम्प्ट करना, ना बहुत ज्यादा करना ना बहुत कम करना। तो मंडे ऑनवर्ड्स नेहा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, ठीक है, चलेगा सबको, ठीक है। यस मैम, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो। तो मंडे ऑनवर्ड्स नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, और लॉजिकली स्टैटिस्टिक्स ही हमारा प्लस वन के टॉपिक का लास्ट टॉपिक बचा है जी।